डिपर मारिए, बस डिपर जला एक बार, दोबारा बाहर आ जाइए, देखते हैं रोशनी में आने के बाद लाइट बंद होती है या नहीं। यस, रोशनी में आ गए और लाइट देखिए ऑटोमेटिक ऑफ हो गई। नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और आज अपने पास आई है गॉक्शन की तरफ से एक छोटी सी डिवाइस जो इंडिया में फर्स्ट टाइम है। देखते हैं इस डिवाइस के अंदर क्या है आपके लिए खास और आगे चल के इस वीडियो में आपके लिए कुछ खास है। तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या है आज खास। चलिए खोलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या निकलता है देख लेते हैं। सबसे पहले है इसकी मैनुअल या कुछ स्टिक कार्ड कह सकते हैं, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन मैनुअल से मैनुअल ही है। ओके, कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है ये अब इसको निकालते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। छोटी सी डिवाइस है, एक कपलर, कुछ टाई है, केबल टाई, केबल टाई, ठीक है, और ये हमारा कनेक्शन हो गया। और अब हम सीधे गाड़ी के पास चलते हैं और देखते हैं कि गाड़ी में इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है और ये किस तरह वर्क करेगा। और इस डिवाइस के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इसका सेंसर, और वो सेंसर लगा है इसके अंदर। तो पहले एक बार गाड़ी में लगाते हैं, फिट करते हैं, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, कैसे ये काम करेगा करते हैं कि आखिर इसको लगाने की ज़रूरत पड़ती क्यों है। आज के टाइम पे जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं वो हैं BS4 मॉडल, ठीक है, और उनके अंदर जो है ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन का भी सिस्टम है जिसको बोलते हैं AHO। और जैसे हमने हेडलाइट ऑन करी और देखिए हमारे गाड़ी की हेडलाइट ऑन हो जाती है, तो इसमें हमें दो प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहली गाड़ी की स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है और जो दूसरी प्रॉब्लम आती है हमारी गाड़ी के साथ या हमारे जो जिस माहौल में हम रहते हैं उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। जो हमारा आसपास का तापमान है वो भी बढ़ता है, क्योंकि एक गाड़ी की अगर आप गाड़ी के अपने लाइट ऑन करके उसके शीशे पे या उसके सामने यहाँ पे हाथ रखेंगे तो आपको एक गर्मी महसूस होगी। ये सिर्फ एक गाड़ी की बात कर रहा हूँ, हर रोज़ लाखों गाड़ियाँ बिकती हैं, कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर को इफ़ेक्ट करेगी। और इसलिए मतलब लाइट होना भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ना हो, तो उसी के लिए उस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये डिवाइस है। और ये डिवाइस किस तरह काम करेगी, जैसी हमारी गाड़ी अंधेरे वाले इलाके में या रात के टाइम पे या किसी टनल के अंदर जाती है और अंधेरा होता है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, और जैसी ही लाइट या उजाले में आएगी लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ये काम करती है या नहीं काम करती है, क्या जैसा बोला गया था ये वाकई में वो काम करेगी। चलिए सबसे पहले गाड़ी का अगला हिस्सा खोलते हैं लाइट और देखते हैं इसको कहाँ कैसे फिट कर सकते हैं और ये किस तरह इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हेडलाइट खोल लेते हैं, हेडलाइट हर किसी को पता है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि इसे आप घर पे फिट कर सकें, और वैसे कोई ज़्यादा टफ नहीं। सबसे पहले आपको इसका कपलर निकाल देना है और ये लाइट हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है। अब बात रही कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, तो जो हमारा हेडलाइट का सॉकेट है सिंपल इसके अंदर लगा देना है इसको इस तरीके से, और इसके अंदर लग जाएगी हमारी हेडलाइट जो हमारा बल्ब था उसके अंदर, ठीक है। और अभी ये रहा सेंसर और दो वायर और हैं इसके अंदर, उसको कहाँ फिट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये दो वायर हैं इसको फिट करना भी बहुत ज़रूरी है, वो दिखाते हैं कि कहाँ पर फिट करनी है। अभी जो इसकी टंकी निकाल रखी है हमने, टंकी निकालने के पीछे जो रीज़न है कि इसका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल को हम यहाँ पर कहीं फिट करेंगे तो वो हम देखते हैं कि किस जगह पे फिट कर सकते हैं, कहाँ पे उसकी सेटिंग बिल्कुल बेस्ट बैठेगी कि उसे कोई निकाल या खींच भी ना सके। तो काफ़ी देर मैंने देखने के बाद मेरे को जो लगा कि इसको फिट करने के लिए सही इसकी जो पोजिशन है वो यहाँ पर, ठीक है, और इसके अंदर डबल टेप है, इसको डबल टेप को पहले निकाल देना है। तो इस तरीके से डबल टेप को निकाल देना है, इसके बाद इसको फिट करना है यहाँ पर को इस तरह, और इसके बाद ये अब तो हिलने से रहा बिल्कुल, फिर भी अपने सेफ्टी के लिए कि कहीं निकल ना जाए पानी आने लग के, तो यहाँ पे टाई बेल्ट दी है, इसको आराम से इसके अंदर से निकाल के दोनों साइड से, तो हमें इसको इस तरीके से टाई बेल्ट को चेचिस के साथ लेना है और यहाँ से इसको फिट कर लेना है कि जिससे ये हमारी निकल ना सकें।
आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं दोनों साइड में जहाँ आपको सुटेबल लगे। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बाकी जब आप करेंगे तो आप इससे अच्छे तरीके से कर पाएंगे कि आपको एक गाइड मिल गया है पहले से कि कैसे फिट करना है। ठीक है, अब हम टैंक को फिट कर लेते हैं। अब टैंक फिट कर दिया है और देखिए ये डिवाइस कहीं से लेके कहीं तक का कोई टैंक के ऊपर तो कोई नुकसान नहीं है। तो इसको आप, मैंने अपने हिसाब से सेट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग या अपनी बाइक के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और ये सब गाड़ियों में लगता है। ठीक है, अब बात रही आगे की कि आगे किस जगह पे वायर, सबसे पहले वायर का कनेक्शन है तो सबसे पहले वायर का कनेक्शन कर लेते हैं ताकि इस सेंसर को एक ऐसी जगह फिट करना है कि जहाँ पर छाया और धूप मतलब सबसे पहले इसके ऊपर लगे गाड़ी के ऊपर और कोई छेड़े भी ना। तो मेरे को जो लगा है कि इसके अंदर से निकाल के इसको यहाँ पर फिट कर देता हूँ इस तरीके से। आप अपने अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ फिट कर लेता हूँ, केबल टाई से इसको फिट कर दिया है। और एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ आपको सूट रहता है कि आप उसको उस जगह पे फिट कर सकते हैं ये सेंसर को। और अब रही लास्ट की कनेक्शन कहाँ से देना है, तो मैंने तो कनेक्शन जो हमारा स्विच है जिसको ब्रेक स्विच बोलते हैं इसके कपलर से दे रखा है और एक दे रखा है हमने ग्राउंड मतलब अर्थ का वायर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से फिट करना है। यहाँ पर दो वायर दे रखे हैं, एक है हमारी पूरी ब्लैक और एक के अंदर रेड कलर की पट्टी है। ठीक है, जो रेड कलर की वायर है उसको इस ग्रीन वायर के साथ टच करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कहीं से भी करंट दे सकते हैं, सिर्फ मतलब करंट चाहिए इसको, मेन स्विच से भी दे सकते हैं या आप यहाँ से दे दें। अब रहा एक वायर तो फिट कर दे, दूसरा वायर जो ग्राउंड है मतलब अर्थ का वायर जो है इसको हम दे देते हैं इस वाले वायर से। सबसे सिंपल है, आप कहीं पे भी जो ग्राउंड का वायर है उसके साथ इसको अटैच कर सकते हैं। अब इसको फिट कर देते हैं और लाइट फिट कर लेते हैं। लाइट के लिए हमारा याला सॉकेट है, याला कपलर, और देखिए क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इसकी। तो एक बार लाइट फिट करते हैं। लाइट फिट करने के लिए सबसे सिंपल है, देखिए ये कपलर को इसके अंदर जॉइंट कर देना है इस तरीके से और वायर को अंदर करना है और फिट कर देना है। और इसको टाइट कर देना। तो लाइट तो हो चुकी है फिट, सेंसर भी हो गया है फिट और एक बार देख लेते हैं जो इसकी वायर है, वायर भी सब बिल्कुल फिट है मामला। अब देखते हैं कि अभी लाइट जलती है या नहीं, क्योंकि अभी हम रूम के अंदर हैं तो यहाँ पर अभी आपको दिखेगी लाइट जल रही है। अब हम चलते हैं बाहर जहाँ पे सूर्य की रोशनी या उजाला रहता है और देखते हैं काम करता है या नहीं। अब गाड़ी को ले आए हैं हम बाहर और देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। देखिए इग्निशन ऑन किया, लाइट नहीं जल रही है। और इस टाइम अगर हम डिपर मारेंगे तो डिपर में लाइट जलेगी बिना किसी स्विच के। ठीक है, अब हमें चाहिए लाइट जले तो हम अंधेरे की तरफ लेके आते हैं और देखते हैं लाइट जलती है या नहीं। और लेके जाइए अंदर और जैसे देखिए अंधेरे में गई है, लाइट जल गई है। यस, अब एक बार बाहर लेके आइए। बस यहीं पे रोक दीजिए, जैसे ही 10 सेकंड 8 से 10 सेकंड लगेंगे और लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो गई है। अगर आपको लाइट फिर भी चाहिए तो आप अपर जलाएंगे और लाइट जल जाएगी। तो डिवाइस काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अब कुछ लोग मन के अंदर, लोगों के अंदर एक छोटा सा डाउट भी होगा कि इस सेंसर के अंदर अगर पानी चले जाता है तो क्या काम करेगा, तो एक बार पानी डाल के देख लेते हैं। यस, भर गया ये। ठीक है, अब एक बार देखिए लाइट नहीं जल रही है। अब एक बार अंदर जाइए, बस और लाइट जल गई है देखिए। ठीक है, डिपर मारिए, बस डिपर जल रहा है। एक बार दोबारा बाहर आ जाइए, देखते हैं रोशनी में आने के बाद लाइट बंद होती है या नहीं। यस, रोशनी में आ गए और लाइट देखिए ऑटोमेटिक ऑफ हो गई है। तो मतलब अगर इसके अंदर पानी भी चले जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर गंदगी चली जाती है
तो आप क्या कर सकते हैं कि जो कान साफ करने वाली रुई आती है ना, उसके थ्रू इसको साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, बड्स बोलेंगे शायद, यस। तो यही है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, एक बार जरूर चेक करिए। तो बात थी कि शुरू के एक हफ्ते तक का, मतलब शुरू के 10 दिन तक का जो भी इसको बाय करेगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसके थ्रू, तो उसको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए और देखिए कि कैसे आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।